हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शीतल पांडे। आई एम अ फर्टिलिटी एंड आईवीएफ कंसल्टेंट एट वेदा केयर मीरा रोड। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या ब्लड ग्रुप से प्रेगनेंसी अफेक्ट हो सकती है। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि यदि कपल में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है तो क्या उन्हें इनफर्टिलिटी होगी या बेबी में कोई प्रॉब्लम्स आएंगे? तो इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। सेम ब्लड ग्रुप के कपल में किसी किस्म की इनफर्टिलिटी नहीं होती है अनलेस एंड अंटिल उनमें कोई स्पेसिफिक रीजन हो फर्टिलिटी से रिलेटेड। ब्लड ग्रुप किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं करेगा और कंसीव करने के बाद बेबी में कोई कॉमन जेनेटिक डिसीजेज होंगे? नॉट एट ऑल। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू एनी अबनॉर्मलिटीज इन द बेबी, सो इट इज़ अ कंप्लीट मिथ। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ, जो डेफिनेटली प्रॉब्लम करता है, यदि फीमेल पार्टनर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो। ब्लड ग्रुप के दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, एक होता है अल्फाबेटिकल ए बी, ए बी या ओ। इस चार तरह के ब्लड ग्रुप कॉमनली पाए जाते हैं। अब ये पे ब्लड ग्रुप के अलावा जो सेकेंड कंपोनेंट होता है वो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। कॉमनली हमें पॉजिटिव देखने को मिलता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव या ए बी पॉजिटिव जो हम सुनते हैं। ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव, ये रेयर ब्लड ग्रुप्स होते हैं। नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट्स में यदि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट का ब्लड जाएगा तो उनके बॉडी में इम्यून रिएक्शन होगा। बस इतना बेसिक समझ लेना काफ़ी है आगे के वीडियो को समझने के लिए। तो यदि फीमेल पार्टनर आर एच नेगेटिव है, दैट मीन्स ए बी, ए बी या ओ में से कोई भी ब्लड ग्रुप हो उसके साथ नेगेटिव है और हस्बैंड जो है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को रखते हैं, प्रेगनेंसी होने पर, क्योंकि पॉजिटिव एक डोमिनेंट ट्रेट है, बेबी के भी आर एच पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नॉट ऑलवेज बट डेफिनेटली हाई चांसेस दैट बेबी विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। अब जब बेबी माँ के गर्भ में बढ़ रहा होता है तो बेबी का ब्लड और मदर के ब्लड में थोड़ी सी मिक्सिंग तो प्लेसेंटा के थ्रू ज़रूर होती है। इस मिनिमल मिक्सिंग के टाइम पे यदि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो बेबी का है वो मदर की बॉडी में जाता है तो मदर की बॉडी में इम्यून रिएक्शन करके एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है, इससे इम्यून सेंसिटाइजेशन कहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह की मिक्सिंग एक सिग्निफिकेंट अमाउंट के ऊपर ना हो, क्योंकि इससे फीमेल को नेक्स्ट प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है। सो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी व्हेन बेबी इज इन मदर्स टमी, हार्डली 1% चांस होता है कि ऐसी कोई सिग्निफिकेंट मिक्सिंग हो जिसकी वजह से मदर जो है इम्यून सेंसिटाइज हो जाए आर एच एंटीजन के लिए। दैट्स वाई एट 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जिन मदर्स का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, उन्हें ब्लड टेस्ट किया जाता है, ICT नाम का, इनडायरेक्ट कून्स टेस्ट नाम का ब्लड टेस्ट किया जाता है जो बताता है कि कोई सिग्निफिकेंट मिक्सिंग तो नहीं हुई है ब्लड की अभी तक, या लेडी ऑलरेडी सेंसिटाइज तो नहीं हो गई है उस चीज़ को, इम्यून रिएक्शन तो नहीं क्रिएट हो गया है। यदि वो ICT नेगेटिव पाया जाता है तो मदर को एक वैक्सीन दिया जाता है NTD नाम का। ओके, ये वैक्सीन क्या काम करता है? ये वैक्सीन यदि कोई मिक्सिंग होगी भी, बेबी के ब्लड सेल्स अगर मदर की बॉडी में आएंगे भी, तो ये वैक्सीन का कंटेंट जो NTD होता है उन सेल्स को किल कर देगा और मदर को इम्यून रिएक्शन होने ही नहीं देगा। ये होता है एट अराउंड 28 वीक्स, जो करस्पॉन्ड करता है 7 मंथ को, क्योंकि दिस इज़ द टाइम जब थोड़ा बहुत मिक्सिंग फिर भी हो सकता है। इसके पहले का तो बैरियर इतना स्ट्रांग होता है कि कोई विशेष मिक्सिंग नहीं होता। अनलेस एंड अंटिल किसी पेशेंट को बार बार थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ब्लीडिंग्स हो रही हो, तब इसका रिस्क ज़रूर बढ़ जाता है। अब सेकेंड पॉइंट ऑफ चेकअप आता है जब पेशेंट डिलीवर होती है। फीमेल के डिलीवर होते ही जो पेशेंट्स, जो वेमेन RH नेगेटिव हैं, उनके डिलीवर होते ही उनके बेबी का ब्लड ग्रुप किया जाता है। ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट हमें हार्डली 1 or 2 आवर्स में मिल जाती है। बेबी का ब्लड ग्रुप यदि पॉजिटिव आता है तो हमें एज अर्ली एज पॉसिबल, बेस्ट विद इन 24 आवर्स, सेम इंजेक्शन ऑफ NTD 300 mcg का डोसेज होता है मदर को देना होता है। ये सिंपल इंजेक्शन होता है जो TT के इंजेक्शन की तरह कमर में लगता है, इंट्रामेस्कुलर। अभी हम डिलीवरी के बाद इसे इमिडिएटली क्यों देना चाह रहे हैं? बिकॉज डिलीवरी इज़ द टाइम जब सिग्निफिकेंट बेबी और मदर के ब्लड में मिक्सिंग होती है। यदि उस वक्त मिक्सिंग हुई है, बेबी जो RH पॉजिटिव है उसका ब्लड मदर के ब्लड में गया है, तो यदि हम NTD दे देंगे तो उन सेल्स को, NTD का जो वैक्सीन दिया है हमने, जो पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है, उन सेल्स को तभी के तभी इमिडिएटली किल कर देगा और मदर को इम्यून सेंसिटाइजेशन नहीं होगा। सो देर विल नॉट बी अ ग्रॉस मिक्सिंग ऑफ 2 different type of blood groups. हमें बस यही ध्यान देना होता है। यदि ये मिक्सिंग हो गई तो क्या नुकसान होगा? यदि ये मिक्सिंग हो गई तो हमें ये समझना है, जब मिक्सिंग होती है उस टाइम पर मदर की इम्यूनिटी सिर्फ सेंसिटाइज होती है उस पर्टिकुलर एंटीजन को लेके,
अब अगर रिपीट मिक्सिंग होती है सेकेंड टाइम, तो वो उसके खिलाफ इतने एंटीबॉडी क्रिएट करेगी कि वो सेल्स के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मदर्स अगर सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होते हैं, समझिए फर्स्ट टाइम मिक्सिंग हो गई और उनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ मदर की बॉडी में मेमोरी हो गई कि अब ये एंटीजन वापस आता है तो हमें तो बहुत सारे फिर से सेल्स बनाने हैं और अपने शरीर को बचाना है, दिस इज़ बॉडीज़ डिफेंस मैकेनिज्म। तो यदि ये मदर सेंसिटाइज होने के बाद प्रेग्नेंट होते हैं सेकेंड टाइम, अगेन बेबी इज़ RH पॉजिटिव, तो जो मदर की बॉडी में सेंसिटाइज हुए एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं वो प्लेसेंटा से होकर बेबी के ब्लड में जाते हैं और बेबी के शरीर के RBCs जो हीमोग्लोबिन होता है जिसमें रेड ब्लड सेल्स कहते हैं उन्हें किल कर देते हैं। इस वजह से प्रेगनेंसी के टाइम पर जब बेबी माँ के पेट में ही होता है जो RH पॉजिटिव है, इस RH पॉजिटिव बेबी के शरीर में आकर के उसके RBCs को किल करेंगे और माँ के पेट में ही बेबी को खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। सो ये कंसेप्ट समझने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बट इन नटशेल आई वॉन्ट टू से Whenever mother is RH negative, हमने ज़रूर 28 weeks पर उनका sensitization check करना चाहिए। यदि husband definitely RH positive हैं तो ही risk रहेगा baby के positive होने का। 28 weeks पर हम confirm करें कि mother का ICT test negative है, तब mother को prophylactically एक vaccine होता है NTD नाम का, 300 mcg का dosage दे दें, जिससे यदि कोई mixing delivery के पहले होती है तो वो उसे क्लियर कर देता है वो वैक्सीन। डिलीवरी के तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर बेस्ट, लेट बाय लेट 72 आवर्स इज एडवाइज्ड, बट फास्टर यू गिव बेस्ट इज़ द रिजल्ट। विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी बेबी ब्लड ग्रुप कंफर्म करें, यदि पॉजिटिव है तो मदर को रिपीट शॉट NTD 300 mcg का दें, जिससे जो भी मिक्सिंग हुई होगी उसे क्लियर कर दिया जाएगा और मदर की बॉडी सेंसिटाइज नहीं होगी। क्योंकि यदि मदर की बॉडी सेंसिटाइज होगी तो वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में बेबी के सेल्स को किल करेगी और बेबी को मदर के पेट में एनीमिया होने का, मीन्स खून की कमी होने का रिस्क बढ़ जाता है। एनी RH नेगेटिव वेमेन शुड बी चेक्ड एट 7 month, ICT नेगेटिव गिव NTD आफ्टर डिलीवरी विद इन 24 आवर्स। इफ बेबी इज ब्लड ग्रुप पॉजिटिव रिपीट NTD, इफ बेबी इज ब्लड ग्रुप नेगेटिव आप इसे सेफली भूल जाएं, कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं होने वाला है। एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, यदि हस्बैंड वाइफ दोनों नेगेटिव हैं तो आपको किसी भी किस्म का टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बेबी इज गोइंग टू बी नेगेटिव। सो इन दिस वुमेन देर इज़ नो टेस्टिंग, नथिंग, ऑल दैट व्हाट आई एक्सप्लेन्ड इज नीडेड। इफ बोथ कपल आर नेगेटिव, हस्बैंड इज पॉजिटिव, वाइफ इज नेगेटिव, ऑल दैट आई एक्सप्लेन्ड नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। सो दिस वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रीहेंड। इफ देर इज एनी डाउट रिलेटेड टू दिस, डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक। See you all in the next video. Till then, take care and bye-bye.